हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मेरे KDH कंप्रेसर के आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 3 HP का कंप्रेसर है हमारा, तो थोड़ी जगह की शॉर्टेज है यहाँ पर, देख सकते हैं जगह नहीं है यहाँ पे, खाली यहाँ पे जगह है। आज इसकी सर्विस करनी है, नॉर्मल सर्विस है, दिक्कत कुछ नहीं है, हवा फर्स्ट क्लास बना रहा है। फिल्टर चेंज करना है, तेल चेंज करना है, बाकी आवाज़ तो नहीं आ रही, चला के हम देखेंगे। अभी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, एक बार चला के देख लेते हैं। चेक वाल सही काम कर रहा है, बैक नहीं मार रहा चेक वाल, देखिए आवाज़ नहीं आ रही इसमें। चलिए बाकी इसका तेल वेल बदलते हैं। इसका ये तेल निकालने के लिए ऊपर का ये 1/2 इंच का प्लग लगा कर बंद कर रखा है इसमें, इसको खोल के तेल निकालेंगे। इसका तेल निकालने की तैयारी हो रही है, अच्छा तेल निकाल के फिर उसका नया तेल डालते हैं हम। देखिए गंदा तेल हो रहा है। देखिए इसका तेल सारा निकल चुका है और हम इसमें ये नया ऑयल इंडिकेटर लगा रहे हैं, क्योंकि नया स्टील लगाना पड़ता है, कई बार टाइट करते समय क्रैक हो जाता है तो तेल आने लगता है यहाँ से। तो कोशिश यही करें कि जब भी इसको खोल के साफ करें अंदर से, तो ऑयल इंडिकेटर चेंज होना ही चाहिए। ये लग चुका है, उसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा टाइट करेंगे इसको चाबी से। इसका ये नोक प्लास है इसका, ये इससे टाइट होता है, इसको ऐसे पकड़ेंगे हम, इसको घुमा के टाइट करेंगे। चलिए देखिए इसमें सर्वो का ये 20W40 डलेगा, 900 ml का डब्बा है ये, ऐसे 1 लीटर में भी आता है, तो इसमें वैसे 900 ml के आसपास ही आता है, इसलिए हमने 1 लीटर का डब्बा भी मंगाया। तो तेल डालते इसका, पाइप को निकाल देते हैं, पाइप से थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए पाइप निकाल दिया है, तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। शीशे में भी तेल अभी आया, आधा आने वाला है, आधा शीशे से थोड़ा ऊपर रखेंगे तेल को हम। ये देखिए आधा हो गया, थोड़ा वो डाल देते हैं इसमें,
बीच में तो गोल लाइन निशान नजर आ रहा है, उसके बराबर तक रखना होता है। देखिए एक गोल निशान से ऊपर आ गया, बराबर आ गया, तेल पूरा हो गया, जगह भी बहुत कम है, थोड़ा झुक के काम करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे टांड भी है, इसके अंदर घुस के काम करना पड़ रहा है। अभी पच का मेरा सर लग गया है। एक बार देखिए इसका फिल्टर चेंज होगा, फिल्टर थोड़ा क्रैक है, ये टूटा हुआ है, ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए नया फिल्टर है, ये वाला फिल्टर नया लगाएंगे इसका हम। इसमें हमने तेल बदल दिया, फिल्टर बदल दिया है, ऑयल इंडिकेटर बदल दिया है, ऑयल बदल दिया है, लाल हमारा ये ओके हो गया है। तो एक बार चालू कर लेते हैं, चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं। हवा भरी हुई है, हवा निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी हमको, यहाँ से निकाल देते पानी से। बंद हो गया है और ऑटो कट से हवा भी निकल के बंद हो गई, इसका मतलब हमारा नावी बिल्कुल ठीक करा। हमने दो बार चेक कर लिया इसको, नावी हमारा ओके है। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और देख लीजिए।
ये बंद हो गया है और बंद होने के बाद यहाँ से ऑटो कट से हवा नहीं निकल रही है, आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो हमारा चेक वाल्व ठीक काम कर रहा है, हमारी सर्विस हो चुकी है 3 HP की, ओके एकदम कंप्लीट, धन्यवाद। बंद हो गया है और ऑटो कट से हवा भी निकल के बंद हो गई, इसको भी हमारा नाभि बिल्कुल ठीक करा, हमने दो बार चेक कर लिया इसको, नाभि हमारा ओके है।